पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भारत जोड़ो यात्रा का जायजा लेने बुरहानपुर आ रहे हैं। बुरहानपुर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा ने जानकारी देते हुए बताया, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 12 नवंबर को बुरहानपुर में आकर पूरा जायजा लेंगे। युवा नेता हर्षित ठाकुर ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए हम सब तैयारियों में लगे हैं। चार पहिया वाहनों को भी सजाया जा रहा है। पदयात्रा शुरू हो जाएगी उस भैया 1977 में इंदिरा गांधी जी को मतलब ठाकुर परिवार यहाँ लेके आया। अब इस बार ठाकुर परिवार को कांग्रेस ने क्या जिम्मेदारी देखिए, गांधी फैमिली से हमारे परिवार का बहुत बड़ा रिश्ता है। 1977 के बाय इलेक्शन में जब स्वर्गीय शिव कुमार सिंह जी बाय इलेक्शन लड़ते हैं लोकसभा का, तो इंदिरा जी 3 दिन हमारे घर खुद के घर में रही थी मोमिनपुरा में, और 3 दिन तक गली गली खुली जीप में आपने प्रचार किया था। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने हमारी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री रही और आयरन लेडी कहलाती इस दुनिया की बहुत सशक्त नेता रही, जिससे पूरी दुनिया उनकी बात की मानती थी। और फिर 80 के अंदर फिर चुनाव आम चुनाव हुआ, उसमें भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी स्वर्गीय शिव कुमार सिंह जी के इलेक्शन में 1.5 दिन रही फिर बुरहानपुर के इसमें। उसके बाद ठाकुर महेंद्र कुमार सिंह जी जो 90 में सांसद रहे, तो राहुल राजीव गांधी ने उनको टिकट दिया और राजीव गांधी के साथ उनकी अच्छी मुलाकात हुई। सांसद बनने के बाद आदरणीय सोनिया जी ने हर वक्त हमारे पास आशीर्वाद रखा, और 2000 के अंदर आदरणीय सोनिया जी ने बुरहानपुर पधारी और वो शुगर फैक्ट्री में किसान सम्मेलन किया और शिव भैया की मूर्ति का अनावरण किया। फिर पिछले लोकसभा के चुनाव में मेरी मुलाकात आदरणीय राहुल जी से हुई, जो कि 15 मिनट तक मेरी और उनकी वार्तालाप हुई खंडवा के अंदर, और उनका साथ मिला। इस तरह से हमारे परिवार का गांधी परिवार के साथ 3 पीढ़ी के संबंध हो गए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी और हमारे सोनिया जी और राहुल जी, आपसे हमारे सतत जीवित संपर्क है सबसे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के मुखिया आ रहे हैं हमारे घर, और हम उनका पलक बिछा के स्वागत करेंगे, दिल खोल कर स्वागत।